leader. आप कल दिल्ली गए थे बेटा? अपनी पार्टी का काम ही ऐसा है, करना पड़ता है दिन रात। अब तो देखो ऊपर से चुनाव हो गए हैं, चुनाव अनाउंस हो गए हैं और कार्यकर्ताओं की सारी वो सूची बनानी है और एक एक को हर मोहल्ले में हर बूथ के ऊपर लगाना है ताकि अपना वो लोग वोटर्स को ला ला के अपने वोट डलवा सके और नोट कर सके किसने कितने वोट आए, क्योंकि पूरे के पूरे लोगों को वहां पे बिठाना पड़ेगा ना। आप तो यहाँ पे अपना बेस्ट हो। हाँ, लेकिन आपने मेरी जिंदगी को क्यों हराम कर रखा? तुम्हारी जिंदगी कहाँ हराम की मैंने? जो माँ है ना, उनकी आपके साथ शादी हुई थी। हाँ, पहला हक उनका आप पे बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है। आप अगर हो तो ऐसा नहीं है कि फिर वो हमारे पास रहे या हमें दुखी करें, आपकी जिम्मेदारी है वो। पहले आपको उन्हें संभालना चाहिए। तो सारी जीवन मैंने तो संभाला, और किसने संभाला? तो फिर आपने क्यों उन्हें हमारे घर भेज दिया? अरे भाई, अभी चुनाव के समय में पत्नी का यहाँ पे रहना क्या है? लोग ना जो आते हैं ना, ये क्या कहते हैं, पत्रकार जो आते हैं वो अनाप शनाप सवाल पत्नी को करते हैं। पत्नी को करते हैं तो दूसरे दिन, अरे बेटा सुनो तो सही, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप एमएलए नहीं बने? उसके रास्ते और भी हैं। क्या रास्ते हैं? अरे माँ को अगर यहाँ पे रखेंगे, वो पत्रकार जानबूझ के उनको टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं और हमको उनको संभालना है कि पत्रकारों को संभालने के लिए। इतने साल से माँ के साथ रह रहे हो तो माँ को किस तरह से समझाना आपको नहीं पता है? आप पॉलिटिक्स खेलते हो, आप पूरी दुनिया को चला रहे हो और एक अपनी बीवी को नहीं समझा सकते हो? आपको क्या बात करते हो? मैं इतना समझा के तो यहाँ पर आया हूँ उसको, अब थोड़े दिन के लिए तुम्हारे घर में चली गई तो क्या ऐसा इतना क्या हो गया? इसलिए क्या आप पता गई? 3 महीने थोड़े दिन होते हैं, आपको पता है मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं भी जॉब करता हूँ, जो वक्त सुकून का शाम को रहना चाहता हूँ घर में। एक काम करो, एक काम, तुम्हारी पत्नी की और माँ की नहीं बनती है? पता ही नहीं, कोई सवाल नहीं, एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बनती है? नहीं। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भी नहीं बनती है? अरे पाल पोस के उसने तेरे को इतना मुश्रंडा किया है, कोई मजाक है? अगर सिर्फ पालने पोसने से ही अगर ये रिश्ते बन जाते हैं तो भी जानवरों के रिश्ते हमसे बेहतर होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं, वो भूल जाते हैं। एक बार माँ का दूध छोड़ता है बच्चा तो अपनी माँ को भूल जाता है जानवरों में। अब तुम भी भूल जाओगे अपनी माँ को? मैं क्या करूँ फिर? मैं क्या करूँ मैं जिंदा रहूँ? बेटा तू जिंदा नहीं, मेरी लाइफ है। मैं तेरे को एक रास्ता बताता हूँ, एक काम कर, देख अगले सप्ताह हमारा चुनाव जो है अनाउंस हो गया है, हैं? तब तक के लिए तुम अपनी पत्नी को हमारे यहाँ पे छोड़ जाओ। सुनो तो सही, अरे जब पत्नी के साथ चिटचिट करने की उसको सारा दिन नहीं होगी तो तुम्हारी पत्नी भी बेजार नहीं होगी ना। तुम तो शाम को घर में पहुंच गए हो, स्कूल चल रहे हैं, मैं किसी एक के चक्कर में सबकी जिंदगी को नहीं बर्बाद कर सकता। ये आपकी जिम्मेदारी है, यू नो हाउ टू हैंडल इट। अरे बेटा ऐसा मत करो यार, एक मिनट सुनो तो सही, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार का नाम खराब हो जाए? पापा उसके है रास्ते हैं। क्या आप हैंडल करो ना, क्या आप 40 साल में इतना भी नहीं सीख पाए कि उस औरत को कैसे हैंडल करना है? अभी तुम अपनी माँ को उस औरत के नाम से बोलते हो? आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं अंदर से इडियट हूँ। तुम बिल्कुल, मैं ठीक है, इट्स ओके, मैं इडियट हूँ, लेकिन इट्स ओके, मैं आप मेरे को समझो, मेरे लिए पूछनी है वो, लेकिन मैं उनकी पूजा करते हुए अपनी जिंदगी को नरक नहीं बना सकता। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? मेरा खाना पीना हराम है, मेरा सुबह से शाम तक कहीं मैं आग गिन, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है वो मैं ही जानता हूँ दिन कैसे मैं बिताता हूँ, कैसे वो दिन घर में बीतता मेरा। मैं बहुत खुश होता हूँ जिस दिन मुझको कोई कहता है संडे को तुम्हें आना है, और ये सब के कारण जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आप अपनी महत्वाकांक्षा की बलि पे मुझे नहीं चढ़ा सकते। अच्छा आराम से बोलो, सुनो 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 सुनो,
महत्वाकांक्षा, इसी महत्वाकांक्षा ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड योर डैम पॉलिटिक्स। हाँ अभी तुम्हारा सब कुछ हो गया तो इसलिए तुम्हारी पॉलिटिक्स तुमको नजर नहीं आती, बचपन से ये काम हो रहा है। अभी सुनो मेरी बात, देखो ये 7 दिन चुपचाप के निकल जाने दो, जहाँ इतना सहा है वहां 7 दिन तो सह लो, 7 दिन और सह लो बेटा। ठीक है, इसका एक रास्ता है। हमारा जो ये फॉर्म हाउस है आप इनको वहां पर शिफ्ट कर दो। सुनो मेरी बात, आप वहां पर शिफ्ट कर दो इनको, और जो जो नौकर चाकर वहां लगा दो। बेटा वहां पे बहुत सारे कार्यकर्ता आके ठहरे हुए हैं, ठीक है, वो कार्यकर्ताओं के बीच में इनको नहीं डाल सकते। ठीक है, दूसरा नहीं तो मेरे कार्यकर्ता भाग जाएंगे सब। दूसरा रास्ता है, एक फ्लैट आप रेंट पे ले लो और वहां पे आप इनको रख दो। अकेले? अकेले अकेले क्यों, आपका तो इतना रुतबा है, अकेले कहां से हुआ, सब जानते हैं वो आपकी वाइफ है, किसकी हिम्मत है जो उनको हाथ लगा दे। यानी माँ बूढ़ी हो गई अभी किसी काम की नहीं, उसको निकाल के कहीं और छोड़ दे। आप पापा बात समझो, बूढ़ी हो उससे मेरी जरूरत हो, मैं सबसे आगे हूँ, लेकिन अगर वो मेरी जिंदगी को नरक करने पर लगी हो, अपने आप में वो सर्वे सर्वा हो, तो मैं ऐसे में क्या करूँ, आप बताओ मेरे को। मैं बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट थोड़ा आगे आओ बेटा, अच्छी तरह प्यार से सुनो यार, तुम तो मेरे बेटे हो, तुमने मेरी मदद करोगे तो कौन करेगा। केवल केवल मात्र 7 दिन अपनी अम्मा को अपने पास रखो, अपनी पत्नी को भूलो कि वो जो छोटा मोटा काम कहती है वो चुपचाप कर दे जाओ 7 दिन के लिए, और जो खर्चा पानी चाहिए तुम मुझसे ले लो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी खर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सुनो मेरी बात, ये इलेक्शन जीत जाने दो, ये काम पूरा अच्छी तरह हो जाने दो, उसके बाद तुम मम्मी को जहां बोलोगे वहां रखेंगे, हमारे घर में रखेंगे, हम रखेंगे, हम अपने आप संभालेंगे उसको, उनके लिए 2-3 नौकरानियां रख देंगे ताकि वो सारा दिन उनके ऊपर हो। वो नौकरानियों का भी तो जीना हराम करती हैं, आप बात ही समझ रहे हो, नौकर आप रख सकते हो, मैं रख सकता हूँ उनका, आप ये समझो उनके लिए हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो क्या चाहती है, उनकी क्या नीड है, वो मैं सोचते हैं कि वो मेरी माँ मेरे से क्या चाहती होगी, उससे पहले मैं उनको वो चीज लाके दे देता हूँ। लेकिन जब किसी की आदत हो हर चीज में खुरपेच करने की, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। अच्छा आप पहले मेरे को एक बात ये बताओ, आप मेरे से ज्यादा उनके साथ रहे हो राइट, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। ज्यादा नहीं, मैं तुम्हारे से केवल 1 साल ज्यादा रहा हूँ उसके साथ में, शादी के 1 साल के बाद ही तुम टपक गए थे सीधे। और सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा ध्यान से सुनो, मैं उनके लिए 2-3 नौकरियां रख दूंगा, नौकरानियां बदली जा सकती है, जब वो तंग आएंगी तो 2-3 और ला के रख दूंगा, उनको निकाल दूंगा, लेकिन पत्नी को नहीं बदला जा सकता है, तुम्हारी पत्नी को नहीं बदला जा सकता, तुमको नहीं बदला जा सकता है, ये तीनों धुरे जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे स्थिर है। अब तुम केवल 7 दिन के लिए, तुमको कहो तो मैं 2-3 नौकरानियां यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं एक काम ये करता हूँ, हाँ मैं अपनी आपकी बहू को, हाँ मैं उसके मायके भेज देता हूँ। तो मैंने कहा था यहाँ भेज दो, तो यहाँ और मायके में क्या फर्क है, वो यहाँ कम्फर्टेबल नहीं है, हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपके आपके बहुत सारे लोग आते हैं उसको वो ये सब पसंद नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, उसको मायके भेज दो थोड़े दिन के लिए, बच्चों के भी 7 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी। हाँ, वो तो मुझे कुर्बानी देनी है, आप मेरे पिता हो, इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, तो अगर बेटा अपने पिता के लिए थोड़ा सा काम करेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी भाई। लेकिन आपको मैं एक बात ये बता दूं, हाँ बोलो बोलो, आपके पॉलिटिक्स का जो गेम है ना, जो काम है या धंधा आपका है, ये बड़ा लंबा चलने वाला है, आई नो दैट, आप उसे पारंगत भी हो, आप बहुत लंबा खेलोगे, लेकिन मेरे से ये आखिरी 7 दिन है, इसके बाद ये आपकी प्रॉब्लम है, हाउ टू हैंडल इट यू शुड नो दैट। पक्का पक्का, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, दोबारा तो नहीं आओगे 7 दिन के पहले। जेलो जेलो।